नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। यहां बात करेंगे यूपीटेट 2021 के रिजल्ट के बारे में। जैसे ही रिजल्ट आया 8 अप्रैल 2021 को, तो काफी सारे भाई बहनों को निराशा हाथ लगी इस बात के लिए, क्योंकि वो एक या दो नंबर से रह गए थे। इससे पहले जस्ट 7 अप्रैल को इसकी आंसर की आ गई थी। काफी लंबे वेट के बाद यूपीटेट 2021 की फाइनल आंसर की और रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। साथ साथ ये नोटिस भी चस्पा किया गया था कि अब इस फाइनल आंसर की पर कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। और हुआ ये कि ऐसे में काफी सारे भाई बहनों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो लास्ट यूपीटेट एग्जाम में जिनको सही माना था जिनके ऑप्शंस को, और उन्हीं ऑप्शंस पर अब जीरो कर दिया गया, यानी कि कोई भी नंबर नहीं दिया गया। तो वो भाई बहन जरूर इस वीडियो को देखें कि वो क्वेश्चन कौन से हैं, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिन पर आपके नंबर अभी भी बढ़ सकते हैं। नंबर बढ़ेंगे कैसे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये भी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो यहां सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जिन्हें 2017 में तो सही माना था और 2021 के एग्जाम में गलत माना, या फिर उनके कोई भी नंबर्स आपको नहीं दिए गए। अगर आप एक या दो नंबर से यूपीटेट क्वालिफाई करने से रह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका यहां मिल सकता है, और इसके बाद ही आप टीचर बन पाएंगे, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो अगले यूपीटेट का वेट करने से अच्छा है कि आप ऐसा कुछ करें ताकि आपको इसी यूपीटेट में क्वालिफाई का सर्टिफिकेट मिल जाए और आप टीचर भर्ती के नए एग्जाम में शामिल हो सके। तो पहले वो क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं जिन पर आपको नंबर बढ़ने की संभावना है, फिर बात करेंगे इस बात पर कि आपको आगे क्या करना है। तो यहां आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता रहा हूं जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। स्प्रेंजर, कैनन 2017, जुंग और केशमर 2017। यानी कि इसमें 2017 का मतलब ये कि ये वो ऑप्शन है जो 2017 के एग्जाम में आपको दिए गए थे। अब यहाँ नॉन टीईटी 2017 में इसके दो उत्तर सही माने गए थे, यानी कि कैनन और केशमर, सभी को समान अंक दिया गया था, जबकि 2021 के टेट में केवल कैनन को सही माना गया है जो कि गलत है। यानी कि इसका मतलब यह कि यहां पर आपको कॉमन नंबर मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिकार का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए है समस्या समाधान, बी है सृजनात्मकता, ये 2017 में माना गया था, अनुप्रयोग और डी है समझ। इसमें टीईटी 2017 में सृजनात्मकता को सही माना गया था, लेकिन टीईटी 2021 में समस्या समाधान को सही माना जा रहा है जो कि गलत है। एक ही प्रश्न के दो उत्तर क्यों माने जा रहे हैं, ये यहां तर्क बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है वुडवर्थ, बी है रॉस, तीसरा है गॉल्टन, चौथा है क्रो एंड क्रो। अब टीईटी 2017 में न्यायालय द्वारा गॉल्टन एवं क्रो एंड क्रो दोनों को ही सही माना गया था, लेकिन टेट 2021 यानी कि यूपीटेट 2021 में गॉल्टन को ही सही माना है। तो यहां भी आपको डबल ऑप्शन दिए गए थे सही, तो यहां भी आपको कॉमन नंबर मिलना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 4 है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है बहुत प्रिय होना, कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना। 2017 में टेट में कष्टदायक होना और अप्रिय लगना दोनों को ही सही माना गया था, लेकिन टेट 2021 में अप्रिय लगना को सही माना जा रहा है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम, लखनऊ समझौता 1916 में है ना जो एग्जाम हुआ था, उसमें किन दो के मध्य हुआ था ये एग्जाम आपका, तब आया था क्वेश्चन, तो नरम दल गरम दल के मध्य, ब्रिटिश एवं भारतीयों के मध्य, हिंदू एवं मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो यहाँ एनसीईआरटी के अनुसार हिंदू और मुस्लिम के मध्य नरम दल गरम दल के मध्य का उल्लेख किया गया है, जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मध्य को ही सही माना है, ये भी न्यायोचित नहीं बताया गया है। अगला सवाल है 6, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन है। जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी और शाकाहारी मांसाहारी दोनों। यूपीटेट 2017 की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर जीवाणु को सही माना गया था, जबकि 2021 में मांसाहारी को सही माना गया है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, शैशव काल का समय क्या माना गया है। तो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक ऑप्शन ए है, 15 वर्ष ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी में जन्म से 6 वर्ष तक और डी है ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष तक। इस प्रश्न का उत्तर टेट 2021 में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा पहले उत्तर कुंजी में जन्म से 6 वर्ष तक को सही माना गया था, यानी कि जो फर्स्ट आंसर की जारी की गई थी उसमें जन्म से 6 वर्ष को सही माना गया था, बाद में इसकी संशोधित उत्तर की जारी की गई जो आंसर की उसमें 2 वर्ष तक को सही मान लिया गया, जबकि एनसीईआरटी के कई विद्वानों ने अलग अलग बताया है। अतः इसके जन्म से 6 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक दोनों उत्तर होंगे। इस प्रकार ये 7 क्वेश्चन है
जिनको आपको एक बार देखना चाहिए। अब देख सकते हैं इस संबंध में आपको क्या करना चाहिए। तो जिन भी भाई बहनों का इन क्वेश्चन से आंसर के आपने जवाब सही दिए हैं या फिर आपको यहाँ नंबर मिलने की संभावना है तो वो भी रिट लगा सकते हैं, क्योंकि जस्ट 8 अप्रैल को ही इस संबंध में रिट ऑलरेडी डल चुकी है, जिसका CNR नंबर भी यहाँ शो हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप सीधे एडवोकेट साहब से संपर्क करके और इसमें शामिल हो सकते हैं, रिट में आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। मैंने आपको बताया कि अभी यूपीटेट 2021 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की आ चुके हैं, लेकिन फाइनल आंसर की को भी चैलेंज किया गया है। 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आपको नंबर मिल सकता है या फिर कॉमन नंबर मिल सकता है। तो 2 या 1 नंबर से कोई भाई बहन रह रहे हैं तो थ्रू रिट के वो बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नंबर दिया है, वहां डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी समझदारी और अपनी समझ और विवेक के हिसाब से किसी भी एडवोकेट के थ्रू आपको रिट डालनी चाहिए, क्योंकि न्याय के लिए लड़ना ही आपको न्याय दिलवा सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।